उज्जैन नगरी के अंदर, भैया थोड़ी उस उज्जैन नगरी में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था, बहुत गरीब ब्राह्मण, उसके साथ उसकी घरवाली ब्राह्मणी, दोनों ये सोचते हैं कि हमारे घर में खाने को दाने नहीं है, क्यों ना हम आत्महत्या कर ले। सजनो ब्राह्मण कहता है कि ब्राह्मणी आत्महत्या तो कर ले, लेकिन न्यू मरेंगे तो नरक मिलेगा, एक काम करते हैं भगवान का भजन करेंगे और भजन करते करते मर जाएंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे हिमालय पर्वत में जाके, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे हिमालय पर्वत में जाके। सजनों 12 साल तक वो तपस्या करते हैं और 12 साल बाद उनके शरीर से प्राण तो नहीं निकले, लेकिन वो बोहड़ा बाबा खुश हो जाता है, प्रकट हो गए। कहते कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? ब्राह्मण बोला कि महाराज हम मृत्यु चाहते हैं, मौत चाहते हैं। शंकर भगवान कहते रहे बड़े पागल हो, मैं तो महाकाल हूं, मेरे नाम से तो मृत्यु दूर दूर भागती है। भाई साहब फिर दोबारा कहूं, मंच वाले भी चुप रहो, नीचे वालों को चुप कर रहा हूं मैं। सजनों शंकर भगवान खुश होके उनको एक अमर फल दे देता है, अमर फल के मौत क्यों चाहते हो, इस फल को खा लो और अमर हो जाओ। शंकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण ब्राह्मणी अमर फल को लेकर उज्जैन नगरी में आ गए। रात का समय ब्राह्मण कहता है ब्राह्मणी से कि यो अमर फल खा के करेंगे? दोहरे की में जरिया नहीं, पैसे नहीं, घर में आटा दाल नहीं, भूखे मरेंगे सारी जिंदगी, हमें अमर होने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मणी हाथ पकड़ कर बोले कि महाराज ब्राह्मण देव, अगर किसी को दुनिया में अमर होने का हक है तो वो केवल राजा भर्तृ को है। क्यों? क्योंकि देखो जिस इंसान ने न्याय करने के ऊपर अपने भाई को मार दिया हो, अरे ऐसे राजा की तो दुनिया को जरूरत है। एक काम करिए, इस अमर फल को ले जाके भर्तृ को दे दो। सजनों दिन निकलते ही ब्राह्मण ब्राह्मणी भर्तृ को फल दे देते हैं कि महाराज आप बहुत बढ़िया राजा हो, इस अमर फल को आप खा लीजिए। भर्तृ ने अमर फल लेके बहुत सारा इनाम, बहुत सारा धन ब्राह्मण ब्राह्मणी को देके विदा कर दिया। अब वो भर्तृ उस फल को हाथ में लेके सोचता है कि तू अमर होके क्या करेगा, अरे रानी पिंगला को बहुत प्यार करता है, तू तो अमर हो जाइए, अरे काल ने पिंगला बुढ़ी होकर मर जाएगी तो किसकी माँ तो माँ कहेगा। प्रेमियो रानी पिंगला को जाके वो अमर फल दे देता है कि पिंगला मैं तेरे को इतना प्यार करता हूं, अगर तू मेरे सामने मर गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, इस फल को तू खा ले, कम से कम मेरी आख्या के आगे तो जिंदी तो रहेगी। सजनों वो अमर फल रानी पिंगला को दे दिया। पिंगला कहते कि महाराज आप जाइए मैं खा लूंगी। अब शाम के वक्त वो दरोगा वो कोतवाल आ गया। कोतवाल क्या थी? रानी पिंगला कहते कि कोतवाल साहब रोज न्यू कह मरूंगा, रोज न्यू कह राजा पकड़ लेगा, रोज न्यू कह मारा भेद खुलेगा, ले यो अमर फल तू खा, तेरे तो बहुत प्यार करती हूं, अरे यो खा के अमर हो जा, राजा तेरा फिर किमे नहीं बिगाड़ सकता, मौज लेंगे सारी जिंदगी। सजनों वो अमर फल उस दरोगा कोतवाल को दे दिया। कोतवाल बोला कि मैं अपने घर जाके खाऊंगा, जेब में रख के आ गया। देखिए विडंबना, वो कोतवाल तो बहुत नीच आदमी था, रानी पिंगला कितना प्यार करती थी उससे, लेकिन वो कोतवाल रानी पिंगला से नहीं एक वेश्या रंडी से प्यार करता था। प्रेमियों उस वेश्या के कोठे पर गया, उस वेश्या का नाम था कलाजान। कलाजान को कहता है ए कलाजान मैं तेरे को इतना प्यार करता हूं, अगर काल ने तू मर गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, और ले यो अमर फल तू खा ले कलाजान। देखिए विडंबना, वो अमर फल उस वेश्या को दे दिया। एब वो वेश्या उस अमर फल को हाथ में लेकर सोचती है कि दरोगा साहब खा लूंगी आप जाइए। अकेले कमरे में बंद होकर अमर फल को खाने लगी, अंदर की अंतरात्मा धिक्कारती है कलाजान वेश्या क्या कर रही है, अमर होना चाहती है,
ये समाज तेरे को सदा वेश्या कहेगा, तेरे को पतिव्रता औरत नहीं कहेगा। देख कितने लोगों का मलमूत्र तेरे उदर में है, कितने लोग तुझे गलत नजर से देखते हैं। अमर होने के बाद कोई भी तेरी इज्जत नहीं करेगा। प्रेमियों, वो अमर फल, वो कलाजान वेश्या उस अमर फल को लेकर सोचते कि सारी जिंदगी तू यही काम करेगी, कोई तेरे को इज्जत नहीं देगा। प्रेमी दोस्तों, उसके मन में ये बात आ गई कि अगर किसी को अमर होने का हक है तो राजा भर्तरी को है। क्यों? इतना न्यायप्रिय इस धरती पर राजा नहीं है। वो अपनी रैयत से प्यार करता है, इंसाफ से प्यार करता है। सजनों व कलाजान वेश्या उस अमर फल को लेकर राजा भर्तरी के दरबार में आ जाती है और भर्तरी को जैसे ही वो अमर फल दिया, एकदम तक भर्तरी की तो आंखें खुल जाती है। गुस्से में आके पूछा, ए वेश्या कहां से लेकर आई ये फल? वेश्या कहते, महाराज मन्ने तो कोई दे के गया है। एकदम ते तलवार निकाल ली और कलाजान वेश्या की गर्दन पे, उसकी गर्दन पे तलवार रख दी। सच बता कहां से लेके आई है? प्रेमियों डर के मारे कहते कि महाराज तेरा कोतवाल दे के गया है। कोतवाल को बुलाया, कोतवाल से पूछा, लेकिन कोतवाल इधर उधर की जब बातें करने लगा तो एकदम तेरा राजा ने तलवार निकाल के कोतवाल के घिट्टी पड़ा दी। सच बता कहां से लेके आया? जान सबको प्यारी होती है। प्रेमी दोस्तों थर थर काप के कह देता कि महाराज ये अमर फल किसी और ने नहीं, ये अमर फल तो तेरी पिंगला ने मेरे को दिया है। प्रेमियो आख्या में पानी आ गया, गोड्डे टूट गए, मरने जैसा हाल हो जाता है। अमर फल को लेके राज दरबार से रंग महल में आया। क्या कहता है वो राजा और क्या वह रानी कहती है, क्या वो कोतवाल कहता है और आखिर में क्यों कर दोनों भाई का मिलन होता है। कोई भी बात अच्छी लगे आप ताड़ियां बजाते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए पिंगला। आइए महाराज, आइए पिया जी। आज जी क्या बात है, आप बड़े थके थके से लग रहे हैं। आपके चेहरे पे आज उदासी भी लग रही है, ये पसीना भी आ रहा है जी। मैं तेरे तक कुछ पूछना आया हूँ। मेरे से? हाँ हाँ पूछिए पिंगला जी। मैं तेरे को रात एक अमर फल दे के गया था। हाँ बिल्कुल दे गए थे भैया। भैया शाबाश शाबाश। वो अमर फल जी अगर तने ना खाया हो तो जल्दी करके मेरे को दे, क्योंकि मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगा। तू एक काम कर, हाँ वो अमर फल मुझे दे दे, तू पाछे अमर होली आज मन अमर होली दे। पिया जी अरे मैं बीमार हूँ। अरे पिया जी वो अमर फल तो मैं रात खा गई। खा गई? और तो उसका कोई छिलका हो? अरे महाराज पूरा खा गई पूरा। उसकी कोई गुठली हो? इतना बक्कल भी महाराज गुठली भी नहीं छोड़ी। मेरे बोलने पर जवाब देकर बिल्कुल खा गई महाराज, पूरा खा गई, इतना सा भी नहीं बचा। देख ले अगर ना खाया हो तो दे दे। ना महाराज सच्ची महाराज रात खा गई मैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, तू बाद में अमर होली, मेरी दिक्कत हो रही है पेट में। अरे महाराज मजाक मैं भी नहीं कर रही, थारी कसम रात खागी, क्योंकि महाराज आपने मुझे इतने प्यार से जो दिया था अमर फल, महाराज आपसे आपने मुझे इतने प्यार से दिया था, मैंने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई, जबी उसी टाइम उसी वक्त खा गई। तो इसका मतलब तू तो अमर होगी। हाँ महाराज बिल्कुल अमर हो गई। तो एक काम करूं मैं, क्या तेरी नाड़ काट के देखूं तू अमर हुई है कि नहीं हुई है। महाराज आप मजाक क्यों कर रहे हो महाराज, आपको पता है ना मुझे ऐसी मजाक बिल्कुल पसंद नहीं।
अगर ना खाया तो एक काम कर, हाँ? ले दूसरा अमरफल खा ले, एक और खा ले, दूसरा ले महाराज। अरे वो तो नकली था, ये असली है। अरे महाराज नहीं, महाराज ये नकली है, पकड़ो अपने फल अमरफल ले। महाराज ये नकली है, वो असली वाला तो मैं खा गई, अब तो मेरे पेट में आराम कर रहा होगा। अरे पापण, हाँ? ओ कलियारी, ओ डाण, तेरा भेद खुल गया, सच सच बता दे किसको दे के या? किसको किसको दिया है? अरे महाराज मैं कह तो रही हूँ आपसे, मैंने रात खा लिया था। हे ये किसको दिया? हाँ? अमर फल रानी। किसको? किसी को नहीं महाराज, सारा भेद बता दे। भेद? हाँ। अरे पेट पाड़ के कैसे काटू साधन मन बता दे। भेद पाड़ के रात तने। देखे कसम राम की, कसम राम की खाऊ साजन खालिया हाथों हाथ मने। कसम राम की खाऊ साजन खालिया हाथों हाथ मने। झूठ बोल रही है? बिल्कुल नहीं महाराज। एक किस्ते जोड़ी तने, किस्ते जोड़ी यारी पिंगला कह दे साची बात मने। पति धर्म पे, पति धर्म पे, पति धर्म पे कायम सुथारी नहीं बिगाड़ी जात मने। पति धर्म पे कायम सुथारी नहीं बिगाड़ी जात मने। यो पति धर्म है? अरे बावली तेरे पर की पतिव्रता होने लगी तो माता अनुसुईया और नर्मदा जैसी ना डूब कमर जाना चाहिए। पिया जी, काय का पिया? पिया जी, किसका पिया? अरे किसका पिया? आप अपनी पिंगला रानी पर शक कर रहे हैं? हाँ महाराज, शक कर रहे हैं आप अपनी पिंगला रानी पे। किस तैयारी करी, किसको दिया यारी? हाँ। और मैं? हाँ। नहीं महाराज, नहीं करी ना। नहीं करी यारी? बिल्कुल नहीं, नहीं करी। तो यो कौन है, यो कौन है, ये कौन है, यो कौन है बता। महाराज मैं नहीं जानती। इधर भी मैं नहीं जानती। अब मैं बताऊंगा कौन है। महाराज हम तो आपके वो घोड़ा का सही से, मैं तो आपका सही सूझ घोड़े वाला। लो लो दिया कोतवाल ने भेद खोल, दिया कोतवाल ने भेद खोल, तेरे को न्याने इरादे। तन जान फंद में। ए रे एक बात बता, तूने के बताई राजा से? के बताई तूने? के बताई तूने? तूने कुछ बताई अपने बारे में? दिया कोतवाल ने। महाराज हाँ? मुझे गुस्सा आ जाएगा महाराज। तेरे पान ने पाड़ लूंगा। दिया कोतवाल ने भेद खोल, तेरे कोन्या ने इरादे। तन्ने जान फंद में, तन्ने छोड़ दे मन्ने। तन्ने जान फंद में फसा दई रे, जान फंद में फसा दई मेरा भेद खोल दिया सारा। जान फंद में फसा दई मेरे भेद खोल दिया सारे।
बात ज्यादा चढ़ रहा है महाराज। हाँ, आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना महाराज। हाँ, मेरे को अटैक आ जाएगा। अरे तू मर जा, अभी मर जा, निपट ले। बिना खोट मरवावे रानी, बिना खोट मरवाया रानी में मानस गरीब बेचारा। बिना खोट मरवाया, बिना खोट, बिना खोट। जब तनु के इश्क में तुम्हें क्या बताए, चोट खाए हुए है महाराज। तेरे चूतड़ा में का चोट लिखा आपने के मेरा, मैंने क्या कहा। हाँ, जब तनु का डांस दिखाओ। बिना खोट मरवावे रानी, बिना खोट मरवाया रानी में मानस गरीब बेचारा। तन जान पंद में, तन जान पंद में फंसा दई मेरा बैद खोल दिया सारा। जान बंद में फंसा दई बैद खोल दिया सारा। जब तो तुम रोजाना खपा खप करती रही मुझसे के प्यार का प्यार का। मैंने तेरे से कही थी कि जब तक मैं तुझे ना बुलाऊं महल में, तू आइए मत। तू क्यों आया? जा चुप हो, जा खप्पो। क्यों आया तू? मरवा दिया मैं। क्यों आया तू मेरा, मेरे बिना बुलाए? सुन मारिन, मेरी बात सुन। हाँ, राजा ने मालूम पाठ की, राजा ने मालूम पाठ की, अब दंड मिलेगा भारा। दिखे इतने दिन, अरे इतने दिन दिख, इतने दिन लई मोज लूट, अबे बन गया तू हत्यारा। इतने दिन लई मोज लूट, अबे बन गया तू हत्यारा। रानी साहब, अब तो एक काम करो। कौन सा? महाराज को तिरिया चरित्र रच के जान बचवा दे मेरी। हम यही काम करती रहूं, थरे चरित्र रचाऊंगा दोनों आके डट जो। ओ तिरिया रा, ओ तिरिया जान, रचा के रानी, तिरिया जान रचा के रानी। ओ तिरिया जान रचा के रानी, इब जान बचा, अब जान बचा तू। सुन मेरी ना, ऐसे को नहीं कहूंगा, जो महाराज बोलेंगे वो कहूंगा मैं। अच्छा। ओ तिरिया जान रचा के रानी, इब जान बचा तू। तिरिया जान रचा के रानी, तू मेरी तू। अब देख आदमी कर रहा है सबने। आदमी आदमी सारा भूल गया, न्यू भूल गया, जब चोरी पकड़ी जा है। हाँ, के कर दे। ओ तिरिया जान रचा के रानी, इब मेरी, इब मेरी बचा जान दे। किस तरिया दिखे, किस तरिया, अरे किस तरिया हमारी जान बचे रे, किस तरिया हमारी जान बचे रे, कोई ऐसा नहीं दिखा दे। किस तरिया हमारी जान बचे रे, कोई जान बता दे। जल्लाद जी महाराज, इस कोतवाल को लेकर के जाओ जी, और इसके 300 टुकड़े करने, 300 गिन के जी। महाराज कहां से काटना है जी पहले? महाराज सुनिए, ऊपर तले के तले तक काट दे महाराज जी। कितने टुकड़े बताए जी? 300। इतने तो मेरे शरीर में भी कोने जी, और टुकड़े किस जगह के करेंगे भाई? सब जगह के करेंगे। सब जगह लेके जाइए। आ जा बेटे पिंगला। आखिर मेरे तक कौन सी ऐसी गलती हुई, तने मेरे के लिए इतना बुंडा काम कर रही हो? नहीं महाराज, मेरे से गलती हुई है। अरे मेरे प्यार में भैया तोताराम, यार तुम लोगों को बार बार समझाना पड़ेगा क्या भाई? पैर भी सीधे करिए। आखिर मेरे लाड में, मेरे प्यार में कहां कौन सी ऐसी कमी हुई जो तने मेरे को धोखा दिया? अरे तेरे तक कितना प्यार करता था वो अमर फल,
ब्राह्मण देव मेरे को देख गए, मन तो न्यू सोची तू अमर हो जागी। अरे पप्पन ओ त्यारण, अरे कौन सी खोट है मेरे ते? पिया जी, मेरे प्यार में कमी थी महाराज, मैंने आपके साथ में धोखा किया है महाराज। मेरी गल तो धोखा करा सो करा। अरे पापड़ मेरे आज वो दिन याद आवे है, मेरा छोटा भाई विक्रम। अरे पापड़ मन अपने भाई के आंसू ना देखे, मन तेरी आंखिया के आंसू देखे, मन अपने छोटे पे खोट अपने छोटे भाई को मरवा दिया। अरे पापड़ फिर भी तेरा कल नाई कि मैं तेरे तक कितना प्यार करूं। मन विक्रम को मरवाया, मेरी पकड़ लई चोरी उसने नहीं फूटिया के सुहाया। पकड़ लई चोरी उसने नहीं फूटिया सुहाया। है भली करी परमेश्वर ने, एक भला काम हो रहा है मेरी गेल। हे भली करी परमेश्वर ने तन नहीं अमर फल खाया। देखे बोलना बिना जा साजन मेरा अच्छी मरने ने आया। बोलना बिना जा साजन मेरा अच्छी मरने ने आया। ये जिंदगी भर न गुण भूलू भाई ते मिलवा दे। मैं तो पाटों के बीच फंसी रे, तो पाटों के बीच फंसी तू मेरी जान बचा दे। तू मेरी जान बचा दे। तेरी जान बचा दूं? हाँ महाराज। जल्लाद, गलती हो गई महाराज मुझसे। ए जल्लाद। जी महाराज। इसको जानता है कौन है ये? बिल्कुल महाराज। इसको बियाबान बनखंड में ले जाके। जी। ना 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 ना, ये भी सजा छोटी हो। छोटी है जी। एक काम कर। जी। इसको उज्जैन नगरी के चौराहे पे ले जाके। जी। जमीन में गाड़ दे। बिल्कुल ठीक जी। केवल गर्दन ऊपर रहे। जी सुनिए भैया, केवल गर्दन ऊपर रहे और इसके मुंह पे पहले दही डालना, दही। अच्छा। फिर शहद डालना। जी। और फिर आदमखोर कुत्ते इसके मुंह पे छोड़ दिए, ताकि जिससे इसे अपने सुंदरता पे घमंड है, वे कुत्ते इसके चेहरे को नोच नोच के खून। महाराज चुप, इतना जुलम मत करे महाराज। महाराज इतना अन्याय मत बन महाराज। क्यों? इतना जालिम मत बन। क्या तू जालिम नहीं थी महाराज? क्या तू अन्याय नहीं थी महाराज? माफ कर दे महाराज, मैं तेरी पत्नी हूँ। अरे वो तो मेरा भाई था। अरे मैं तेरी अर्धांगिनी हूँ महाराज। वो मेरा खून था, मैंने तेरे साथ साथ फेरे लिए। वो मेरा माँ जाया भाई था। अगर तेरे रहम होता तो मैं आज तेरे पर रहम करूं। हे दल्लाद महाराज, कोई रहम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा महाराज, क्योंकि आज मुझे अपने ऊपर भी शर्मिंदा शर्म महसूस हो रही है महाराज, क्योंकि इस रानी ने, इस पिंगला ने मेरे हाथ तो एक निर्दोष का कत्ल करवाया है महाराज। इसे नहीं, बस लेकर जाइए इसको, लेकर जाइए, मृत्यु दंड दे दिया इसको, लेकर जाइए पीछे, लेकर जाइए, जाओ मार दे से। मैंने कोतवाल को सजा दी,
मैंने पिंगला को सजा दी, लेकिन अभी एक इंसान को सजा देनी और बाकी रह रही है। वो इंसान कोई और नहीं, वो राजा भर्तरी है। क्योंकि अब मुझे भी तो जीने का कोई है। गलती मेरे पे भी हुई है कि मेरे पे दूध का दूध पानी का पानी नहीं हुआ। और अब मैं तो परमात्मा तक कहता हूं, ओ भगवान, हे ईश्वर, ओ दुनिया बनाने वाले, अगर तू कहीं है तो आ, इस भर्तरी के शरीर से मेरे प्राण निकाल ले, क्योंकि मैं अपनी अंतरात्मा में इतना टूट गया हूं कि मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। ओ भगवान, जल्दी आके मेरे शरीर से प्राण ले ले, क्योंकि अब मैं जीना नहीं चाहता, क्योंकि एक एक क्षण मेरे लिए कई साल के बराबर है। अरे कितना बड़ा खोट हुआ मेरे पे, कितना बड़ा खोट हुआ। हे परमात्मा, हे परमात्मा। महाराज समर रखिए, महाराज शांति करिए थोड़ा। महाराज आप एक राजा हैं, इस सभा के मालिक हैं, भला आप ऐसे करेंगे तो इस सभा का क्या होगा? भाई मैं राजा को नरे, अरे मैंने अपने भाई के आंसू ना देखे, मैं इस दुष्ट पिंगला के आंसू में बह गया। ओ भाई, अरे कितना बुरा कर्म हो गया मेरे हाथ था। ओ जल्लाद, बिल्कुल महाराज, अपनी तलवार ले काट के आ, तू ही मार दे भाई मन्ने। महाराज अब मरने से क्या होगा आपका? भला आपने जब नहीं सोचा, जब वो रानी पिंगला तिरिया चरित्र रचारी थी, आपने उस पिंगला रानी पे तो भरोसा किया, अपने एक बार भाई पे मां जाए भाई पे विश्वास नहीं किया। महाराज अब रोने से क्या होगा? लेकिन महाराज आप थोड़ा सबर कीजिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। महाराज बताएगा भाई, आपका भाई जिंदा है, आपका भाई मैंने मारा नहीं। जल्लाद जी महाराज, एक बार फिर बोल। आपका भाई जिंदा है महाराज, आपका भाई मैंने मारा नहीं। क्यों? क्योंकि महाराज मुझे पता था ये तिरिया चरित्र रचाया जा रहा है महाराज, और वो रानी पिंगला झूठी है, ये विक्रम कदा भी उसके साथ ऐसा गलत काम नहीं कर सकते। ए जल्लाद जी महाराज, क्या तू सच कह रहा है? बिल्कुल महाराज। क्या मेरा भाई जिंदा है? जिंदा है महाराज। ओ भाई, मेरा सारा खजाना ले ले, मेरी रियासत ले ले। ओ भाई तेरे पाप पकड़ू, मेरे भाई ने मिलवा दे महाराज, एक बार मेरे भाई की शक्ल दिखा दे, और फिर चाहे परमात्मा मेरी जान ले ले, मैंने कोई गिला सिकवा को नहीं। महाराज भला मैं एक जल्लाद हूँ, मैं आपके राजपाट महल हवेली का क्या करूंगा? लीजिएगा, मैं आपको आपके भाई से मिलाता हूँ, ये रहा भाई आपका विक्रम महाराज, ये रहा। भाई मैंने माफ कर दे ना भाई, तेरी गलती कुछ कोना तू उस टाइम बुसरांड के चक्रा मारा था। ठीक कहता है भाई, बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैंने तेरे से पहले कही थी, कह रहा एक काला सांप का देना अपना, एक काला सांप का देना अपना, चाहे कितना ही दूध पिला ले, गधा गऊ ना बन सकता, चाहे गंगा जी मनवा ले, एक आदत आले की, एक आदत आले की आदत ना जा, चाहे चारु वेद पढ़ा ले भाई, या तेरी अपनी ना होती चाहे कितने लाड़ लड़ा ले। कसूर मेरा सच्चाई तन सच्चाई पहचान लई, अब हो गया भरम दूर तेरा, तन सच्चाई पहचान लई, अब हो गया भरम दूर तेरा। भाई मैंने सच्चाई पहचान ली, लेकिन एक बात अगर तू मेरी मान ली, तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं बोलूंगा। के ये राजपाट की है, राजपाट की ताली ले ले। ना भाई, मैं राजा नहीं बनूंगा। ना भाई, राजपाट में कोनी तू संभाल। ना भाई ना,
भाई मैं राजा तो बन जाऊंगा लेकिन मेरी आत्मा राजा नहीं बन सकती, क्योंकि ये दुनिया के कहेगी भाई भाई मैंने दूसरे देश के खा जाएंगे, मैं तो अभी बालक हूँ। विक्रम हाँ? तू बालक बे सके लेकिन पूरी उज्जैन नगरी तेरे साथ है। और अब युवराज पाठ की ताली ले ले ना भाई। भाई तने मेरी कसम लगे अगर अपना भाई माने तो ये ताली तू रख। ये राजपाट की ताली ले ले, राजपाट की ताली ले ले, ओ राज तिलक जरूर तेरा। कैलाश चंद जा गुरु की शरण में। ये रागनी पूरा इतिहास गुरु जी ने बनाया। कैलाश चंद जा गुरु की शरण में, होगा नाम मशहूर तेरा। कैलाश चंद जा गुरु की शरण में, होगा नाम मशहूर तेरा। प्रेमियो एक भेद और खोल दो, सुनिए भाई भीम। राजा भर्तृहरि ने विक्रम को राज सौंप दिया और उस दिन के बाद वो विक्रम विक्रम नहीं वीर विक्रमाजीत बन जाता है, जो किस्सा सुना होगा खांडेराव परी, यहां से शुरू होता है। दोस्तों अपनी तलवार निकाल के राजा भर्तृहरि खुद की गर्दन काटने चला तो एकदम पूरे दरबार में बहुत तेज प्रकाश हुआ और शंकर भगवान के अवतरित गुरु गोरखनाथ वहां जाते। बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज के। हाथ पकड़ लिया, अरे बावड़े भर्तृहरि मरे है? बोला हाँ गुरुजी मरना चाहता हूँ। क्यों मरे? कि गुरुजी मेरी रानी धोखा देगी, मेरी रानी बदचलन होगी। यहाँ गुरु गोरखनाथ भेद खोलता है कि भर्तृहरि तेरी रानी बदचलन नहीं थी और वह कोतवाल ये मेरी योग माया थी, क्योंकि तेरा मोह भंग करना था। अरे तू राज के लिए नहीं ईश्वर की भक्ति के लिए तेरा उद्देश्य जन्म का यही है। और सजनों उसी दिन से बाबा गोरखनाथ का जोग ले लिया बाबा भर्तृहरि आज भी। बोलिए बाबा भर्तृहरि महाराज की। हे अमित चौधरी ने चिमटा था, गुरु गोरख रहा बता दे। सांग भर्तृहरि का खत्म होया कोई राग दूसरा गा।